मतलब ये वो लोग हैं जो करियर को लेकर अपने बच्चों से ताने खाते होंगे। What is this, Dad? 150 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग, क्या कर रहे हैं आप अपने काम में? हाँ, प्रेस क्लब में दिन भर बैठ के क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते हैं? नमस्कार आदाब एंड वेलकम, दिस इज आर्थिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ, इस हफ्ते एक न्यूज या कहें तो एक इंसान जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे वो थे धीरेंद्र शास्त्री, एके बाबा बागेश्वर धाम। इनके हाल ही में बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत इंटरव्यूज ये दे चुके हैं बेटर करियर ग्राफ देन शुभमन गिल। अब पहले बता देता हूं कि मैटर क्या है। ये है एक बाबा, बुंदेलखंड के छतरपुर से इनकी शुरुआत हुई थी, वहीं ये सत्संग वगैरह करते हैं, समागम करते हैं जहां काफी सारे इनके भक्त वगैरह आते हैं और ये उनकी परेशानियां उनियां सुनते हैं, पर्चे वर्चे फाड़ते हैं, बाबा वाला सिस्टम पूरा। अब थोड़ा टाइम बैक ट्रैक करो, इन पर भड़काऊ बयान देने के आरोप कुछ टाइम से लग रहे हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, टायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। अब मसला तब हुआ जब महाराष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और कहा जा रहा है कि जब इनसे इनकी दैविक शक्तियां साबित करने की बात की गई तो ये सत्संग से भाग भी गए थे। उसके बाद इनकी कई सारी वीडियोस वायरल होने लगी जहां मसला काफी साफ हो गया। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, आई लव हिम, क्योंकि दिव्य शक्तियों का तो पता नहीं बट बाबा के पास डाइवर्ट शक्तियां इतनी अच्छी है कि जैसे ही इन पर सवाल आने शुरू हुए इन्होंने नैरेटिव इतनी जल्दी शिफ्ट किया और इतने अच्छी तरीके से शिफ्ट किया फ्रॉम पर्सन टू अ कम्युनिटी। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अपने ऊपर बात आने ही नहीं दी, मैं सनातन के लिए लड़ रहा हूँ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, ये मुझ पर नहीं सनातन पर वार है, सनातन पर दाग लगने की बारी आए, सनातन का झंडा गाड़ेंगे, हिंदुओं के लिए हूँ, धर्म की रक्षा, यू नो द ड्रिल। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज स्मार्ट, क्योंकि अगर आज की डेट में आपने ये वाला नैरेटिव पकड़ लिया तो आपके पत्ते तो कोई बीट नहीं कर रहा। अब इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुई जहां एक सत्संग के दौरान अपनी शक्तियां साबित करते हुए इन्होंने एबीपी न्यूज के एक पत्रकार, अरे गलती हो गई, बाबा 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 क्षमा कर दो, माइक वाले भैया का नाम, उनके चाचा का नाम, उनकी भतीजी के नाम, उनकी पारिवारिक गतिविधियां बाबा ने सब बता दी जो किसी को नहीं पता था। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभी सी है? जी गुरुजी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे थी। सही खेल गए आप। और आप किसी भी न्यूज चैनल से इनके इंटरव्यू देख लो, ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ऐसे सवाल के आपको लगेगा मोदी जी से शायद टफ सवाल पूछ लिए थे। नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी मुस्कान, खूबसूरत चेहरा और 26 साल की उम्र में कैसे? आपने गाइड फिल्म देखी है? सारे नेता मैंने देखा आपके चरणों में ही बैठे रहते हैं, आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर महसूस नहीं होता? अब देखो, बाबा बुंदेलखंड से हैं तो हम तो उन्हीं की भाषा में बोले हैं कि भैया हमें बाबा से कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई आप काम कर रहे हैं, उन्हें कहा, उन्हें तो लोग चाहे। हमें दिक्कत है मीडिया वारन से कि भैया तुम्हारा काम है तो एक्सपोज करवो इनको, तुम तो भैया उनके पास गए, झुके नहीं के लेटे नहीं के लुढ़क लुढ़क के लुढ़क गए। देखो मतलब सीरियस नोट, हमारे देश में ये जो बाबा और जो गॉडमैन वाला इशू है ना, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। आपको याद होगा काफी टाइम पहले एक निर्मल बाबा आया करते थे, एंड क्रेडिट वेयर ड्यू, एटलीस्ट ही इज क्यूट। निर्मल बाबा आते थे, वो उनको कुछ भी बता दो आप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता दो उनको, फैमिली प्रॉब्लम बता दो उनको, आप अपने काम की प्रॉब्लम बता दो, उनका होता था कि आपने आखिरी बार गोलगप्पे कब खाए थे, ऊन का स्वेटर कब बुना था आपने, अमरूद कब खाया था आखिरी बार, केले कब खाए थे आखिरी बार, और ये सब नेशनल टेलीविजन पे न्यूज चैनल्स होस्ट करते थे। तो देखो बाबा वाला मसला ऐसे ही रहेगा, आप ये बात समझ लो और इन मामलों में आप भी समझ कर बोला करो, क्योंकि ट्रूथ बी टोल्ड इनमें से कई लोगों को पॉलिटिकल पेट्रनेज प्राप्त है हमारे देश में, तो जब तक वो वाली प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एक बार फिर ऑन डिस्प्ले रहा इस वीक। मसला तब शुरू हुआ जब विनेश फोगाट, जो हमारे देश के एक बहुत सम्माननीय रेसलर है, उन्होंने अन्य रेसलर्स के साथ WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश के रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने लगे, WFI को भंग करने की मांग करने लगे, और काफी हद तक उन्होंने मामले को प्रोटेस्ट तौर पर ही रखा, उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया। एक लेफ्ट की लीडर है वृंदा करात, जब वो वहां आई तो भाई रेसलर्स ने कहा आप स्टेज से हट जाइए, इस मामले को हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, तो हमको चाहिए सिस्टम में चेंज, हम करेंगे सीधा प्रधानमंत्री से बात, अब होगा दंगल। उन्होंने WFI पे कई गंभीर आरोप लगाए और सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, रवि
राजी दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के कई सारे रेसलर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कई सारे आरोप लगाए गए बट मेन उसमें था WFI के प्रेसिडेंट भूषण सरन सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। रेसलर्स ने आरोप लगाया कि WFI के अंडर ऐसे कई सारे कोचेज हैं जो नेशनल कैंप्स में वुमेन रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि एथलेटिक्स में और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में जो कोचेज होते हैं उनका बड़ा दबदबा होता है, और यही आरोप लगाया गया कि कुछ कोचेज कैंप्स में रेसलर्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग नहीं है, कड़वा सच यही है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कुर्सी पर बैठ के अपने बिस्तर पर बुलाते हैं लोगों को, ये कड़वा सच है। अब क्योंकि मसला इतना बड़ा हो गया इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फेडरेशन से जवाब मांगा और हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने एक जांच कमेटी भी बिठाई। अब मामला फंसा जब WFI प्रेसिडेंट पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया। देखो अगर ये कांग्रेस के होते तो अब तक अर्णब गोस्वामी इनसे दंगल कर चुका होता, स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि, सुधीर चौधरी पूरे फेडरेशन का ब्लैक एंड व्हाइट कर देते, और गुल्लू तो रेसलिंग जिहाद बोल चुका होता है, सबको पता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। बट क्योंकि ये फूल वाली पार्टी से थे तो मीडिया ने रेजिग्नेशन की डिमांड तक नहीं की। अब देखो इतने बड़े मसले के बाद आइडियली इस्तीफा सामने से आ जाता है कि भाई मेरे स्पोर्ट्स के इतने 100 से ज्यादा एथलीट्स धरने पर बैठे हैं, इतने बड़े आरोप लगाए हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ये लो मेरा इस्तीफा, जो भी जांच कमेटी बैठेगी हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, और बाद में जब जांच हो जाती है तो जो पार्टी डिसीजन लेगी वो हमें मंजूर होगा। ये ऐसा आइडियली होता है, लेकिन यहां WFI प्रेसिडेंट ने इस्तीफा नहीं दिया। खैर फिलहाल मामले में अपडेट ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने के बाद रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया है, एक महीने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को साइड में रखने की बात की गई है और जांच कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वैसे आजकल प्रोटेस्ट ज्यादा लंबे चलते नहीं है ना, मतलब डिमांड्स आजकल पूरी हो जाती है, मामला हम यहाँ दफा दफा अपन भी बैठे क्या, वो गर्लफ्रेंड दो योजना, वन नेशन वन गर्लफ्रेंड, मतलब ट्राई कर सकते हैं तो आइडिया दे देते। चलो दिल्ली से लखनऊ की तरफ चल दिया जाए जहां इस वीडियो का विश्लेषण करते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुई, लखनऊ के हजरतगंज इलाके की ये वीडियो है जहां रोड पर एक स्कूटर में देखा जा सकता है कि एक कपल चलती हुई रोड पर गुलू गुलू कर रहे हैं। लड़का स्कूटर चला रहा था और लड़की आगे बैठकर रेयर व्यू मिरर का काम कर रही थी। हद है यार, चलते ट्रैफिक में बाइक पर ये हरकतें कौन करता है, ये सब तो कार में किया। अब देखो इस मामले में ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने वाला एंगल तो है ही, लड़के को अरेस्ट भी कर लिया गया, स्कूटी भी जब्त कर ली गई। अब दूसरा एंगल आता है पब्लिक ऑब्सिनिटी का, या लीगली स्पीकिंग तो आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो अयोध्या वाला मसला याद है ना, नदीमा इमरान हाशमी। अब देखो पब्लिक स्पेस में कभी भी कोई ऐसी हरकत हो और सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग अपनी ओपिनियन बना दें, बट अगर लीगली स्पीकिंग तो ये वल्गैरिटी वाला मसला आता है जो बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ा गया है ना, कोई कह नहीं सकता आपके मेरे किसी थर्ड पर्सन के वल्गैरिटी पे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए पब्लिक स्पेसेस में चुंबन भी गलत हो और दूसरा आदमी फ्री द निप्पल का सपोर्टर हो, बट ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे बाइक पर इमरान हाशमी तो मैं भी बन सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास लड़की नहीं है, मेरे पास बाइक भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं दो न्यूज से जो न्यूज से ही रिलेटेड है। देखो ये तो आपको सबको पता है कि जब भी हेट स्पीच का मामला आता है तो न्यूज चैनल सुप्रीम कोर्ट को गौतम गंभीर की कमेंट्री की तरह समझते हैं, मतलब सुनते हैं बट सीरियसली नहीं लेते। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वार्निंग दी है और कहा है, मतलब पेपर पे लिखा है, न्यूज चैनल पर TRP का नाच हो रहा है, चीजें सेंसेशनलाइज की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया को समाज में दरार नहीं डालनी चाहिए, जो एंकर्स भड़काऊ भाषण देते हैं उन्हें चैनल से निकाल देना चाहिए, न्यूज चैनल जो प्रोग्राम कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर फाइन लग, क्या न्यूज चैनल से आप चाहिए आपको क्या क्या करो इसका बत्ती बनाऊ इसकी, ठीक ओके। अच्छा अगली खबर मजाक नहीं है, ध्यान से सुनना। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये एक जर्नलिस्ट लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है इंडिया में प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। मतलब ये वो लोग हैं जो करियर को लेकर अपने बच्चों से ताने खाते होंगे। व्हाट इज दिस डैड, 150 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग, क्या कर रहे हैं आप अपने काम में? हाँ प्रेस क्लब में दिन भर बैठ के क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं? व्हाट इज दिस, क्या मां आपने कैसे इंसान से शादी की है, क्या कर रहे हैं आप? शर्मा जी के बाप को देखो, पार्टी करने जा रहा हूं, 11 बजे से पहले नहीं लौटूंगा, जाओ चुपचाप काम पे अपने। तो सरकार ना IT रूल्स में बदलाव लाना चाह रही है और उसके मुताबिक वो ये कह रही है कि अगर सरकार द्वारा संचालित प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB को लगा कि कोई न्यूज फेक है और उन्होंने उस पर फेक का थप्पा लगा दिया तो उस न्यूज को हटा दिया जाएगा। अब एडिटर्स गिल्ड ने इस पर आपत्ति जताई है और बोला है कि भैया अगर आपके हिसाब से चलने लग गए, मतलब अगर आप सर्टिफिकेट देने लग गए कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी नहीं, तो हो गया काम,
क्योंकि प्रेस फ्रीडम के मामले में सरकार का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं। तो इस मामले में सरकार और एडिटर्स गिल्ड में विवाद लगा हुआ है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एडिटर्स गिल्ड के अंकल आंटी, इस मामले में थोड़ी लाज लज्जा रख लेना। यू हैव वन जॉब है, थोड़ा सा ऐसे बच्चों को ताने देना तो बड़ा आसान होता है कि मार्क्स क्यों नहीं आए तुम्हारे, 11 बजे तक पार्टी का, जाके सरकार को रोको चुपचाप। बढ़िया है, प्रेस फ्रीडम है, रैंकिंग देख रहे हो हमारी, ज्यादा बोल दी, अब मेरी अखबार में नौकरी नहीं लगेगी। चलो अगली न्यूज थोड़ी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन बहुत जल्दी अपने असेंबली इलेक्शन करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं, जिसके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने डेट भी डिक्लेयर कर दी है। इलेक्शन अगले महीने होंगे, त्रिपुरा में 16 फरवरी को इलेक्शन होंगे और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। लिख लो, यूपीएससी में आ सकता है नालायक। बॉयकॉट चाइना से थोड़ी खबर है और आपको थोड़ी चौंका देने वाली खबर यह है कि चाइना कस्टम्स डिपार्टमेंट ने डेटा रिलीज करके बताया है कि बीते वर्ष इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है, मतलब जो उनके बीच में लेन देन है, जो व्यापार है, वो अब तक का सबसे ज्यादा हो गया है। कहां तुम दिवाली पे झालरें बॉयकॉट करते घूम रहे हो, $135 बिलियन का ट्रेड हुआ है और उसमें भी $100 का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब चाइना से हमारे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एसआरके और केआरके के नेटवर्थ में। चलो अगली न्यूज थोड़ी इंटरनेशनल है। जेसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और मेरा थोड़ा सा क्रश भी है इन पर, इन्होंने इस हफ्ते ये अनाउंस किया कि अब बहुत ही जल्द वो प्रधानमंत्री के पद से रिटायरमेंट ले लेंगी। अच्छा, अब जिसको नहीं पता, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में जेसिंडा आर्डन को एक बड़ी शख्सियत माना जाता है और ऐसे कई रीजंस हैं कि जेसिंडा आर्डन को दुनिया भर में काफी ज्यादा माना जाता है। पहली बात तो ये कि जब दुनिया भर में ये देखा जा रहा था कि राइट विंग के जो पॉलिटिशियंस हैं वहां पे एक ग्रोथ देखी जा रही थी, जगह जगह राइट विंग के पॉलिटिशियंस जीत रहे थे, तब न्यूजीलैंड में ये काफी स्ट्रॉन्ग और आउटस्पोकन लेफ्ट लीडर थी जो वहां पर जीती। इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे जो इनको अपने लीग के पॉलिटिशियन से थोड़ा अलग बनाता था। न्यूजीलैंड में इन्होंने कई सारे गन रिफॉर्म्स लाए थे, ऑनलाइन हेट स्पीच करने की बात की थी, क्लाइमेट चेंज पर एक काफी ज्यादा मुद्दे उठाती थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो काफी सारे पॉलिटिशियंस के लिए एक मिसाल बन गई थी। इनफैक्ट कोरोना वायरस के टाइम पे स्पेशली फर्स्ट वेव में जैसे इन्होंने न्यूजीलैंड को संभाला था, दुनिया भर में इनकी तारीफ हुई थी। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब क्राइस्ट चर्च का हमला हुआ था तो जैसे ये विक्टिम से मिलने गई थी, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि एक लीडर कैसे रिएक्ट करता है ऐसी सिचुएशंस में। और सबसे ब्यूटीफुल बात इनके बारे में ये है कि जैसे इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, इनके रिटायरमेंट का रीजन कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई हेल्थ रिलेटेड रीजन नहीं है, इन्होंने बस ये बोला कि आई डोंट हैव इट इन माय टैंक एनीमोर। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है, कहने को तो हम लोग बड़े बोल देते हैं, बट ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क होता है विच डिमांड्स अ लॉट आउट ऑफ यू। और इन्होंने कहा कि बस अब यार अब वो बचा नहीं है मेरे अंदर, अब मैंने काफी टाइम से पॉलिटिक्स में काम कर लिया है, नाउ आई थिंक आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू रिटायर एंड स्टार्ट अ न्यू करियर मे बी। और ये कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने कह दिया कि आप कोई और देख लो, मैं आई एम डन डन डस्टेड। और ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक लीडर के लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं, कि उन्होंने बस अपने आप को धकेला नहीं, उन ईगो पे नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जब मेरे से नहीं हो रहा है देन समवन बेटर कुड कम एंड लीड द कंट्री। सो ऑल इन ऑल अ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर लीविंग पॉलिटिक्स। एंड फाइनली हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं जो इस साल हमारे ही देश में हो रहा है। भाई पता है, कवर कर रहा था मैं, मुट्ठी भर भर के गालियां दे रहे थे कमेंट बॉक्स में। इंडिया ने अपने पहले मैच में स्पेन को हरा दिया, उसके बाद इंग्लैंड से हमारा ड्रॉ हो गया और अभी रिसेंटली वेल्स को 4-0 से इंडिया ने हरा दिया है। अब हमारा एक क्रॉसओवर मैच है तो बहुत ही जल्द न्यूजीलैंड से खेला जाएगा और अगर उसको जीत जाते हैं तो हम क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। बिरसा मुंडा नेशनल स्टेडियम में ज्यादातर मैचेस हो रहे हैं और काफी बड़ी बात है क्योंकि काफी टाइम बाद एक क्रिकेट को छोड़ के कोई एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पब्लिक का काफी सपोर्ट देखा जा रहा है। तो हॉकी वर्ल्ड कप को फॉलो करते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए भी। ओके, नॉनसेंस न्यूज की बात करते हैं। देखो सेटमैक्स एक ऐसा चैनल है जिस पर एक मूवी बार बार आती रहती है, सूर्यवंशम। हम सब उस मूवी को देख देख कर थक गए और इसी को लेकर एक आदमी ने इस बार सेटमैक्स से कंप्लेन कर दी और एक लेटर लिखा और बोला कि सेवा में चैनल सोनी मैक्स, सविनय निवेदन है कि चैनल को सूर्यवंशम फीचर फिल्म का प्रसारण का ठेका प्राप्त हुआ है क्या है, आपकी कृपा से हम हमारे परिवार का हीरा ठाकुर और उनके परिवार राधा गौरी व अन्य के अच्छे से जान चुके हैं। हम लोगों को सूर्यवंशम नामक फिल्म का एक्स्ट्रा इनिंग्स देख देख कर कंठस्थ हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका चैनल अब तक कितनी बार इस फिल्म का प्रसारण कर चुका है और कितनी बार करेगा। अगर इससे हमारी मानसिक स्थिति विपरीत असर पड़ता है, हम पागल हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कृपया बताएं। मतलब इस एक आदमी ने पूरे देश की बात कह दी, क्योंकि जितनी बार सेटमैक्स ने सूर्यवंशम दिखा दिए, यूट्यूब ने जोमेटो स्विगी के एड्स नहीं दिखाए होंगे। बात तो सही है, मैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में आंसर भूल सकता हूं, हीरा ठाकुर की स्पीच याद है मुझे, मैं जब जब खीर देखता हूँ मुझे बाबूजी की उल्टी याद आती है। मतलब सूर्यवंशम देख के मेरे बाप ने मुझे जायदाद से निकाल दिया,
जो कि है भी नहीं हमारे पास। मुझे लगता है कि सूर्यवंशम सेटमैक्स का स्क्रीन सेवर है, बाकी सब चीजें दिखा देते हैं, ये डिफॉल्ट पे लगी रहती है। एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है डॉल्स एंड गबाना, कोटी बंगले वालों की कंपनी है, रोडस्टर वाली शक्ल ना बनाओ। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जहां पता चला कि ये लोग 32,000 रुपए की मंकी कैप बेच रहे हैं, वो भी डिस्काउंट के बाद। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी सैलरी, वो भी CTC। देखो मैं अमीर तो नहीं हूं, बट आप इसको खरीद सकते हो दो कंडीशन से, या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या आपके माथे पे लिखा है तो छुपाने के लिए पहन लेना। 32,000 की मंकी कैप, माय फुट। हरदोई में एक अलग ही तरह का पॉलिटिकल गठबंधन हुआ जब 50 वर्षीय बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के नेता की 26 वर्षीय बेटी को भगाकर ले गए, या इलोपिंग। ये इश्क भी ना आइडियोलॉजी नहीं देखता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुड भैया कुछ कहेंगे आप इस पे? ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है। म्यूजिक अर्ज किया है। एक थप्पड़ मैंने मारा, दो घूसे वो मार गया। एक थप्पड़ मैंने मारा, दो घूसे वो मार गया। चुनाव हराना था जिसे, उससे दिल हार गया। मतलब बीजेपी समाजवादी पार्टी, कौन बोला मोदी है तो मुमकिन है। तेलंगाना में एक मस्त कांड हुआ। एक आदमी सेल्फी लेने के लिए वंदे भारत ट्रेन में चढ़ा, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि ये ट्रेन के जो डोर्स होते हैं ये ऑटोमेटेड होते हैं। इसमें अगर आप एक बार चढ़ गए और एक बार ड्राइवर ने बटन प्रेस कर दिया तो वो गेट बंद है, वो नहीं खुलने के। ये भाई साहब सेल्फी लेने चढ़ गए, जब गेट बंद हो गए TT से डांट खा रहे हैं बाद में। शक्ल देख भैया, वो तो ठीक है साउथ का था, ये फंस गया। बिहार का होता तो ट्रेन ही घर ले जाता। अच्छा एक न्यूज आई जिसमें पता चला एक गर्लफ्रेंड इतनी झोल निकली, कहानी बताता हूँ। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए घर से गहने चुरा लिए, उन गहनों को 50,000 रुपए में बेचा, दोनों ने मस्त पार्टी की, बर्थडे मनाया, और फिर जब वो लड़की घर पर पकड़े जाने लगी तो वो पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस पर रोते रोते बोली कि सर वो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी कुछ अश्लील फोटोज ले ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसको पैसे देने के लिए मैंने घर से गहने चुरा लिए। भाई ये तो अलग डायमेंशन में चल रही है भाई। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। इस हफ्ते के पॉजिटिव सेगमेंट में आपके साथ दो कहानियां शेयर करूंगा जो मुझे सोशल मीडिया पर मिली। एक तरह से केस स्टडीज हैं, एक पुलिस की है, एक आर्मी की है। पुलिस वाली कहानी से शुरुआत करते हैं। बात है 2018 की, जब मुजफ्फरपुर में एक माइनर लड़की, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए नाम रख लेते हैं कीर्ति, तो 2018 में कीर्ति की किडनैप होने की कंप्लेन हुई थी। कुछ टाइम तक वो केस चला, फिर आज 2023 में जब इस केस को रीओपन किया गया तो पता चला कि कीर्ति किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि खुद अपने घर से भाग गई थी क्योंकि इसके घर वाले इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी करवाना चाहते थे और ये पढ़ना चाहती थी, इसलिए ये घर से भाग गई। और घर से भागकर ये दिल्ली आ गई। दिल्ली में बिना किसी को जानने पहचाने कैसे भी करके सर्वाइव की, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए, और आज जब ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने अपना बयान देने वापस आई तो पता चला कि ये दिल्ली पुलिस में भर्ती हो चुकी है एज अ कांस्टेबल, और उसे इस बात का बहुत अभिमान था कि उसने अकेले दम पर अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दिया। अगली खबर है हमारे आर्मी के एक शहीद जवान की, जिनकी कहानी इस हफ्ते ट्विटर पर एक थ्रेड के थ्रू किसी ने शेयर करी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1997 में एक उपहार सिनेमा कांड हुआ था जहां पर बॉर्डर फिल्म दिखाई जा रही थी और उस फिल्म के दिखाने के वक्त ही सिनेमा हॉल में आग लग गई और उस आग लगने के बाद कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी सिनेमा हॉल में अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहे थे कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर, जो हमारे सेना के एक जवान थे, और ये अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ मूवी देख रहे थे। तो इन्होंने जब आग लगी तो अपनी जान की परवाह और अपनी फैमिली की जान की परवाह किए बगैर लगभग 150 लोगों की जान बचाई थी उपहार सिनेमा में। पूरा सिनेमा हॉल जलकर राख हो गया था, लेकिन उसके जस्ट पहले कैप्टन भिंदर ने अपने दोस्त के साथ वहां पर लगभग 150 लोगों को जल्दी जल्दी सिनेमा हॉल से बाहर निकाला था और उनकी जान बचाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली 150 लोगों की जान बचाने के बाद कैप्टन भिंदर और उनकी फैमिली नहीं बच सके। एक बहादुर जवान होने के अलावा कैप्टन मनजिंदर एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और उन्होंने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। और ये कहानी सुन के गर्व भी होता है, थोड़ा बुरा भी लगता है, और सीखने को मिलता है दैट अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। क्या बोलती पब्लिक? एक और 100 कर ले चीकू, उसके बाद करेंगे सेंचुरी का अमृत महोत्सव। कर तो ले, लेकिन न्यूजीलैंड वाले 110 के नीचे ऑल आउट हो जाएंगे तो चीकू भाई कैसे बनाएंगे सेंचुरी अपनी? बेटा एक बार और सोच लो, इतना बुरा भी नहीं है जुम्मन गिल। ये बात तो सैफ अली खान भी बोल रहा होगा। कोचिंग सेंटर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड योर रियल लव। नहीं नहीं भाई, कट जाता है उसमें तो। आफ्टर दीपक चौरसिया जॉइंड जी न्यूज, द चैनल कुड रीनेम इटसेल्फ टू जू न्यूज। दीपक चौरसिया ने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया? सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट,
मीडिया शुड नॉट क्रिएट डिविजन इन सोसाइटी. अमीश देवगन तो मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई कुछ भी कहो बट इसकी कंसिस्टेंसी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी. पिछले एक साल में मजाले भाई ने कोई जनता का मुद्दा उठा दिया हो तो, कोई भी हो, मोरबी ब्रिज का हादसा जिस दिन हुआ है उस दिन ये कोई ना कोई भाई धर्म के नाम पे डिबेट कर रहा है. ओहो, इतनी टॉक्सिसिटी खुद से कैसे जलती है इससे? मी ट्राइंग टू कवर क्रिप्टो लॉसेस बाय बाइंग मोर क्रिप्टो. चुनाव से पहले मोदी जनता. छह दिन का जुमला. ऑन 5, 5, 4, 3, 2, 1. सीन्स आफ्टर शुभमन गिल स्कोर्ड बैक टू बैक सेंचुरी. सारा अली खान एंड सारा तेंदुलकर. कोहली, राहुल, उन्होंने तो एक एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस उठाई. ये लड़ाइयां करवा रहा है लड़कियों में, शर्म नहीं आती. अंकिता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, अमेरिका में ओ वाओ दिस इज अमेजिंग, इंडिया में भाई साहब. अच्छा, इस हफ्ते का रिकमेंडेशन ऑफ द वीक कोई किताब नहीं है, दरअसल एक आर्टिकल है, एक इंटरव्यू है, इंडियन एक्सप्रेस के 9 तारीख के एडिशन में छपा हुआ है और ये विलियम डैलरिम्पल हैं, एक हिस्टोरियन है, उनका इंटरव्यू है. देयर इज अ टेंडेंसी इन इंडियन हिस्ट्री टू हैव एवरीवन इज ईदर डीमन और एन एंजल, ये इसका टाइटल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू है. विलियम डैलरिम्पल वो है जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कई सारे टेक्स्ट हैं, मुगल एम्पायर के टेक्स्ट हैं, ब्रिटिश एम्पायर के टेक्स्ट हैं, वो उनकी किताबें हैं जो उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट की है और इनके जो इनसाइट्स हैं हिस्ट्री के बारे में, ये पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वो बताते हैं कि भाई हर चीज़ बुरी अच्छी राइट रॉन्ग नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, हर चीज़ ग्रे एरिया में होता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आपको थोड़ा इंसाइट चाहिए तो आप ये वाला आर्टिकल जाके इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा. टेक्निकल रिक्शा वाला इज वॉचिंग फ्रॉम अ कमर्शियल सिटी एंड अ मेजर ट्रेड सेंटर दैट कनेक्ट्स मुंबई. इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्निकल भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुजरात में कई सारी सिटी जानी जाती हैं जो मुंबई से कनेक्ट होती हैं, बट फिर भी मैं सोच लूंगा आपके, या आप अहमदाबाद या आप सूरत की बात कर रहे हो, क्योंकि अहमदाबाद सूरत ही दो ऐसी बड़े कमर्शियल हब्स हैं जो मुंबई से बहुत ट्रेड करते हैं. अमित बिजोरिया इज वॉचिंग फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट विच इज ऑल्सो द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सो द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है पुणे शहर को, क्योंकि पुणे बहुत कल्चरल रिच है और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं. ये कई बार हम इसी शो में डिस्कस कर चुके हैं. ईशान खान 007 इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी वेयर बिरयानी विदाउट पोटैटो इज कंसिडर्ड इज क्राइम. यार बंगाली लोग बहुत आलू डालते हैं बिरयानी में, तो आई थिंक कोलकाता माइट बी रॉन्ग. विनीत डॉट ओजवाल इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ एशियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज. ओके, सरप्राइजिंगली एशियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इज एक्चुअली IIT रुड़की, जो 1847 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1854 में उसका नाम बदलकर द थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया था. तो ये मुझे नहीं पता था कि IIT रुड़की इज ऑल्सो एशियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज. नाइस. अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है, शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है और उसे इंस्टाग्राम पर विद #SundaySarthak अपलोड करना है और अपनी सिटी की कोई एक हिंट बतानी है जैसे इन लोगों ने बताई और हम गेस करने की कोशिश करेंगे. कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं. मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टाटा बाय बाय, शब्बा खैर. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.